वो हाथ साफ कर देता है हम लोग के ऊपर हम लोग सब ट्वीट कर देते हैं हम लोग सब मीडिया में इंटरव्यू देते ये नहीं होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए लेट स्टैंड खड़े रहो साथ में लड़ो बट एक फोर्स भी होना चाहिए ना बाहर जाके काम भी करना चाहिए हमको ऐसा नहीं कि खाली ट्विटर पे बोले तो होना चाहिए उसमें कुछ नहीं होता सोल्यूशन निकलने के लिए सबको एक इकट्ठा होना टाइम देना पड़ेगा एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और फिजिकली वो प्रेजेंस और वर्क करना पड़ेगा किसी को लीडरशिप लेना पड़ेगा कि भाई अभी ये सब चीज के लिए हम लोग क्या इसका सोल्यूशन निकाले और कैसे करें एक साथ ट्वीट करने से या मैं बोलने से या आप छापने से कुछ नहीं होने वाला है तो आपने जब इसके बारे में सुना पहला आपका रिएक्शन क्या था आपने वीडियो भी देखा होगा हाँ मैंने देखा और मैं फर्स्ट रिए, फर्स्ट रिएक्शन मतलब तो मेरा तो बहुत कुछ ऐसे हो चुका है लाइफ में फिजिकली के नॉट फिजिक नॉट फिजिकली इज नॉट हैपन बट दिस ऑल परजानिया के टाइम से लेके अब तक Correct. जो कहीं ना कहीं थ्रेड्स ये सब तो हो चुकी है सब बट द होल आइडिया इज रॉन्ग के मतलब तो एक फिल्म मेकर है वो एक अपनी कहानी बनाना चाहता है आप कौन होते हो उसको मारने के लिए फिजिकल हाउ डेयर यू डू दिस ये बात ही गलत है कोई भी हो कोई भी चीज हो एक पेंटिंग बनाता दो आदमी क्यों करते हो तुम ये सब चीज भीज yeah,

और कितना तुम्हारा इंटरप्रिटेशन आर्टिस्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है फिल्म मेकर का इंटरप्रिटेशन क्या है हर चीज में आदमी पिक्चर बनाने के पहले ऐसे सब सवाल जवाब करते रहे तो फिर वो तो बन चुकी पिक्चर कुछ बन ही नहीं फिर हम लोग को एनिमेशन कार्टून बनाना पड़ेगा एंड में उसमें भी <laughs> उसमें भी कुछ नहीं बता सकते क्या बताओगे तुम कुछ भी बताओगे पीपल विल टेक इट दी अदर वे